Good morning. Good morning. स्क्रीन पे सभी को दिखने लगी बहन शो कर दीजिए कि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस मैम। हाँ चलिए माइक थोड़ा बंद कर दीजिए अपने से। सब माइक बंद करिए। सबको माइक बंद होना चाहिए और वीडियो ऑन होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हैप चांग यार। जानवी बेटा माइक बंद करिए। आंसर दीज क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर आप सभी को देने हैं। पहला यहाँ पे है राइट एनी थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू एट स्कूल। राइट एनी थ्री एक्टिविटीज यहाँ पे आपको थ्री एक्टिविटी लिखने हैं जो कि आप स्कूल में करते हो। ऐसी कौन कौन सी थ्री एक्टिविटी है जो कि आप सभी स्कूल में करते हैं। चलिए बताइए हमें बेटा। एंजल या तो माइक ऑन करिए आप बताइए। राइट लर्न रीड। वन बाय वन बेटा एक साथ किसी को नहीं बोलना जिसका नेम लेंगे उसको बोलना रहेगा। चलिए बेटा आप बताइए। नैन्सी भारती माइक ऑन करिए। राइट एनी थ्री एक्टिविटीज दैट यू डू एट स्कूल। ऐसी कौन सी भी एक्टिविटी है जो कि आप स्कूल में करते हो। जल्दी बोलिए बेटा। नैसी भारती फिर इनको नहीं बोलना। संतोष आप बताइए। रीड लर्न राइट ड्राइंग। चलिए अनुज अनुज आप बताएंगे। अनुज कुमार अनुज तो आप स्कूल में जो थ्री एक्टिविटी करते हो उसी का नेम आपको राइट करना है। रीडिंग है राइटिंग प्लेइंग। ओके चलिए यहाँ पे आपको नोट करिए कभी आप स्कूल में राइट करते हैं। निहारी अनुज माइक बंद करो। ओके जानते हो बेटा अपना नेम राइट करके ज्वाइन करिए कि आपने सिस्टर का नेम राइट किया है। अपना नेम राइट करके क्लास ज्वाइन करिए। Reading, writing, playing. आप यहाँ पे ड्राइंग भी राइट कर सकते हो पेंटिंग भी राइट कर सकते हो जो भी आप स्कूल में करते हो आप उसी को राइट करना सभी को। मैम
अभी मेरा नहीं हुआ है। हाँ नोट को इरेज नहीं कर रहा है। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। बोला नहीं है अभी हम इरेज कर देंगे फिर सब नोट वाइट कर लेंगे। इसका हो गया हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं। डू यू लाइक टू गो टू स्कूल लाइक निशु? क्या बेटा आपको निशु की तरह स्कूल जाना पसंद है? क्या आप लाइक करते हैं स्कूल जाना? मतलब स्कूल जाने यहाँ पे नोट करिए। यस यस मैम। यस आई लाइक टू गो टू स्कूल। I like आपको न्यूज करता माइक ऑन कर लेती हो। बाय बाय। अभी आप माइक ऑन करके आपको मूव करेंगे याद रखना। हम आप म्यूट करते हैं माइक ऑन करके भी आवाज आती है आपके यहाँ से। Yes, I like to go to school like me too. Good to me. Yes, मुझे भी निशु की तरह स्कूल जाना अच्छा लगता है। Which activity do you like to do most in school? ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जिसे आप स्कूल में करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे आपको स्कूल में करना ज्यादा अच्छा लगता है? जो भी आपको अच्छा लगता हो उसी एक्टिविटी का नेम राइट करेंगे जिसको आपको करना अच्छा लगता है स्कूल में। सब लोग उसे इसको राइट करेंगे। ओके राइटिंग है तो राइटिंग लिखेंगे। रीडिंग करना अच्छा था रीडिंग अगर पेंट करना मुझे रीडिंग करना है। हाँ जब भी आपको अच्छा लगता है स्कूल में ज्यादा करना है। बोला नहीं है कुछ राइट करना बेटा। हम पूछ नहीं रहे आपको राइट करने को कह रहे कि आप राइट करें जब भी आपको अच्छा लगता है स्कूल में करना कोई ऐसी एक एक्टिविटी जिसे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चन में क्या राइट करना है? इसमें थर्ड वही तो बता रहे हैं। ध्यान नहीं देते हो संतोष। ध्यान तुम्हारा कहाँ पे रहता है? वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है व्हिच एक्टिविटी डू यू लाइक टू मोस्ट इन स्कूल। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे आपको स्कूल में करना सबसे अच्छा लगता है? जो भी अच्छा लगता है आप लोग उसमें नोट करेंगे। जिसको रीडिंग अच्छा लगता है रीडिंग लिखेंगे। जिसको राइटिंग करना अच्छा लगता है राइटिंग लिखेंगे। जिसको प्लेइंग करना पसंद हो प्लेइंग लिखेंगे। जिसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है पेंटिंग लिखेंगे। जिसको ड्राइंग करना पसंद हो ड्राइंग लिखेंगे। ठीक है अब जब भी आपको ज्यादा पसंद है स्कूल में जो एक्टिविटी करना वो आप राइट करेंगे। हैव यू डन बेटा सबने कंप्लीट कर लिया? यस मैं आज का माइक बंद कर दीजिए सभी लोग। इसका हो गया होगा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे पेज नंबर 22। मैम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ। क्या करना है
ओके बेटा चलिए आगे देखते हैं। आपने कंप्लीट कर लिया। व्हिच एक्टिविटी डू यू लाइक टू मोस्ट इन स्कूल? आपको स्कूल में जो एक्टिविटी करना ज्यादा पसंद है उसी एक्टिविटी करने में राइट कर लेना है। रीडिंग है तो रीडिंग लिख लेंगे, अगर राइटिंग करना अच्छा लगता है राइटिंग लिख लेंगे, ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता हो आप नोट कर लेंगे। आप लोग चाहते कि हाँ मैम कॉपी करते हम लोग केवल नोट कर लेते हैं, कुछ लिखने का मन नहीं करता है, तो एक वर्ड लिखना है उतना भी नहीं लिख पा रहे हो। चलिए वो कैटेगरी के अंदर ओपन कर दीजिए आप अभी, क्योंकि इसको पढ़ा दिया गया बुके में। लुक एट दीज पिक्चर्स, राइट द मिसिंग लेटर टू कम्प्लीट द नेम। बेटा यहाँ पे आप सभी को पिक्चर देखना है और जो मिसिंग लेटर है, जो लेटर नहीं राइट किया गया मिस हो गया है, उस लेटर को राइट करेंगे और नेम कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए पहले देखते हैं नंबर वन में, ये पिक्चर देखिए किस तरह थिंग्स का पिक्चर है ये, बताइए बेटा। मैम नोटबुक का, नोटबुक का, नोटबुक का, यहाँ पर लेकिन नोटबुक की जो स्पेलिंग लिखी हुई है नोटबुक का, कई सारे लेटर जो मिस है। ओके नोटबुक की जो स्पेलिंग उसमें कई लेटर जो है मिस है, तो जो मिस है लेटर उसको आपको राइट करना है और नेम कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन, एन के बाद क्या लिखेंगे बेटा आप? नोटबुक की स्पेलिंग क्या होती है? संतोष बताइए आप।
नाउन बताया आपने, एस एच ओ आर टी नहीं होता है, एस एच ए आर टी, एस एच ए आर टी ई एन ई आर, ओके, एस एच ए आर टी ई एन ई आर, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे नोट करिए, एस एच लिखा हुआ है, मैंने स्पेलिंग हाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे ए लिखिए, एस एच ए, यहाँ पे आर लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ई एन, फिर ई लिखिए, फिर आर लिखिए, एस एच ए आर सी ई एन ई आर, राइट फर्स्ट। नेक्स्ट है, चलिए आप जैसे बताइए, नैतिक माइक ऑन करिए, सर पिक्चर देखिए, बताइए किस चीज का पिक्चर है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नैतिक। यस मैम, यस मैम, बोलो बेटा नैतिक। मैम बताएं, मैम पी एन सी आर ए पेंसिल, पेंसिल है, ओके गुड। मैम पी एन सी आर एल चालू करिए, मैम पी एन सी आर एल, बस बस पी एन सी आर एल पेंसिल, जैसे लिखा हुआ आपको वैसे लिखना है स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल में होगा, बाकी का स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे आप राइट करेंगे सभी लोग। चलिए आप बताएंगे यहाँ पे जानवी, जानवी माइक ऑन करिए, जानवी, हाँ बोल, यहाँ पे क्या पिक्चर है, बताइए किस चीज का पिक्चर है ये, मैम कलर, कलर, कलर यहाँ पे लिखेंगे, उसको क्या बोलते थे आप, कलर करते हो, क्रियॉन्स बोलते हो ना, यस मैम क्रियॉन्स, टाइप करिए यहाँ पे, क्रियॉन्स की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे सी लिखिए, सी कैपिटल लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, ए लिखा हुआ आर लिखेंगे, ओ आफ्टर, यहाँ पे एन लिखेंगे, एन एस लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे देखो, बताइए पिक्चर देखो, बताइए क्या है, सेंटेंस आप बताओगे, आप माइक ऑन करिए, एम बॉटल, बॉटल की स्पेलिंग क्या होती है, ओके नोट कर लीजिए, बी बी राइट है, बी आफ्टर ओ लिखिए, ओ के बाद डबल टी लिखा हुआ है, स्कूल बैग, एल लिखिए, ई लिखिए, डन, बी डबल ओ, एच डबल ओ, एल, ना ये बाबा, हाँ बात है, B O L B O अब जी टाइम के साथ तो माइक बंद कर दिया, तो हमारा माइक आप सबके आप ऑन कर लेते हो, बैठ अच्छा करो कि मीट कर देंगे आप लोगों की क्लास में, नहीं पाऊंगी। चलिए यहाँ पे नोट करिए, स्कूल बाय, Mam, I have done. Mam, S-C-H-O-O-L-S-C-D-A-G-B-A-G.
अपने का कंप्लीट कर लिया, फिर आगे देखिए नंबर टू यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट विद द वर्ड दैट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड राइट थी वर्ड की हेल्प से यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे चलिए रीड करिएगा एंजल, यहाँ बॉक्स में कौन कौन से वर्ड राइट हैं, सारे वर्ड को रीड करिए एक बार एंजल। जब पढ़ाई तो चाचा पढ़िएगा एंजल। यस मैम। We carry books in a and सुनती नहीं हो, बॉक्स में जो वर्ड लिखे हुए उसको रीड करना है, ये बॉक्स में जो वर्ड राइट है इसको पढ़िए। कैरोल्स बोतल आइस डस्टर पेंसिल स्विंग ears major merry-go-round bag merry-go-round jo swing mein jula hota hai gol gol ghumta hai usse ko merry-go-round kehte hain, theek hai। chaliye mic band kar lijiye, kirti pandey aap padhiye। कीर्ति पांडे माइक कौन से ग्रीन करें बेटा, क्या लिखा है आपके बॉक्स में, माइक को ऑन कर दीजिए। यस मैम। सी आर ए वाई ए एन डी डेटा भी नहीं पा पा रही, एन डी लिखा हुआ एन एस लिखा हुआ, C-R-A-Y-O-N-S, बोले क्रियॉन्स, C-R-A-Y-A-N-S, क्रियॉन्स। आगे आगे पढ़ो बेटा। B-O-T-L-E, बोतल बोतल। आगे अब्बा ये तब बनाए जाओ आईश आगे D-U-S-T-E-R बेस्टर डस्टर डस्टर बोले डस्टर। आगे बढ़िए डस्टर आपसे क्या लिखा हुआ है, T-E-N-C-I-L क्या पढ़ेंगे इसको, पेन पेन। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, W-R-M-G क्वीन। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, माइक बंद कर लीजिए। वी कैरी बुक्स इन आ, वी कैरी हम ले जाते हैं बुक्स किताबों को इन आ, इसके अंदर रख के किताबों को ले जाते हैं, बताइए हमें क्या भी करेंगे, बोलिए। आप स्कूल जाते हो तो किताबों को किसके अंदर रखते हो, बैग। तो देखिए बॉक्स में कहीं बैग लिखा हुआ है,
मैम आपके बैग लिखा हुआ है कि नहीं? जो बॉक्स जो वाइट मैम बैग बॉटल पुतली मैम बैग फाइव बन के काम बोल रहा था कार्निवल लाइक करेंगे मैम लाइक में डालिए वीडियो ऑन करिए माइक बंद करिए आपकी जगह आवाज आ रही है वाटर ही ना वाटर किस में ले जाते हैं किताबों को बैग में ले जाते हैं वाटर को किस में ले जाते हैं बैग बैग में वाटर ले जाते हैं बैग में वाटर ले जाते हैं अरे बेटा वाटर को किस में फिल करते हैं बैग में फिल करते हैं या बोतल में फिल करके ले जाते हैं बोतल बोतल यहाँ पे लिखेंगे बैग नहीं ठीक है पानी को बोतल में ले जाते हैं ओके वी कैरी बुक्स इन अ बैग हम बुक्स को बैग में ले जाते हैं एंड वाटर इन अ बोतल और वाटर को जो है बोतल में ले जाते हैं जी नोट कर लीजिए इतना सभी लोग देन वी गो हाई ऑन अ हम किसमें बैग की ऊंचा ऊपर जाते हैं एंड मतलब आप प्ले करते हो तो ऐसा कौन सा खेल था जिसमें बैठने के बाद आप ऊपर उड़ने लगते हो मेरी गुराउन गोल गोल घूमते हो ऐसे कौन से खेल से आप बैठते हो फिर आप ऊपर जाते हो फिर नीचे आते फिर ऊपर नीचे ऐसे आते जाते रहते हो क्या कहते हैं उसको स्विंग बेटा मैम स्विंग 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 झूले पे आप बैठते हो तो ऊपर नीचे मैम मेरी गोराउंड एंड राउंड ही ना मेरी गोराउंड जो एक स्विंग होता है वो गोल गोल घूमता है उसी को मेरी गोराउंड कहते हैं आप स्कूल में तो है नोट कर लीजिए इतना नेक्स्ट है एंड आई हैव डन हम लिखते हैं किसकी हेल्प से आप लोग किसकी हेल्प से लिखते हैं नोटबुक में जिसे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए पेंसिल गुड पेंसिल से लिखते हो एंड कलर विथ अ कलर किससे करते हो हम कलर से क्रेयॉन्स नोट क्या सभी ने मैम की राय मैम आप किसकी हेल्प से रीड करते हो आपको किताब पढ़ना है तो मैम बुक्स आई यस रहते हो रहा
हाँ समझ के बोला करिए ना, यहाँ पे आईज लिखेंगे ओके, क्योंकि हम आंखों की सहायता से हेल्प से जो है रीड करते हैं बुक को, यहाँ पे आईज फिल करिए। देन एंड वी लिसन विद आवर, और सुनते हैं किसकी हेल्प से, आवर आईज, मैं आईज आईज की हेल्प से देखते हैं ना, सुनते हैं किसकी हेल्प से, मैं ईयर, ईयर Okay, goodbye, friends. Bye. Bye. Bye.